हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे पास क्वेश्चंस है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ 30% बाय द मास। हमारे पास एक बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिसके सॉल्यूशन में कितना है 30% बाय द मास है और कंप्लीट सॉल्यूशन कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशंस है। हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें भरा हुआ है। एक को हमारे पास क्या देते हैं, बेंजीन भरा हुआ है C6H6 और दूसरे का हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ है जिसको हमारे पास क्या कह रहे हैं CCl4 कहा जा रहा है। कह रहा है कि हमारे पास इसका जो परसेंटेज है इस सॉल्यूशंस के अंदर 30% है बाय द मास है हमारे पास। और वहीं पे हमारे पास फिर बताइए, अगर हमें बाय द मास हुआ है और हमारे पास इसका पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन इसका बेंजीन का क्या होगा, तो आप समझ जाओ अगर ये 30% है तो ये कितना होगा 70%, क्योंकि सोल्यूट और सोल्यूट मिलकर कितना बनाएंगे 100% बनाएंगे। तो अगर जो 30% है कितना हो जाएगा 70% बाय द मास हो जाएगा। आया बात समझ में? हमारे पास कहा जा रहा है कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, उस बेंजीन का सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास परसेंटेज है 30% है बाय द मास। तो हमने ये कहा कि हमारे पास क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर इसका 30% है तो इसका कितना हो जाएगा 70% बाय द मास हो जाएगा। और हमें पता है अगर हमारे पास जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि बाय द मास, तो इसका जो 30% है इसी को आप मान लीजिए 30 ग्राम। तो इसका अगर जो 30 ग्राम हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा हमारे पास। बिना कुछ सोच समझे कि आपको जितना भी परसेंटेज में दिया जाएगा उसका ग्राम में लगा दीजिएगा ताकि हमारे पास चीज़ें आसान हो जाए। अब हमें पता है कि इसके अंदर हमें मोल फ्रैक्शन का निकालना है, तो किसका निकालना है, बेंजीन का। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन जाई हमारे पास किसके बराबर होता है, एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ बी डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बराबर होता है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है तो ये निकलता है गिवन मास बाई में मोलर मास के लिए। तो आइए इसको दोनों के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मोलर मास के लिए हमें निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं कि मोलर मास C6H6 का कितना आएगा, तो 6 कार्बन है इनटू 1 कार्बन कितना होता है 12 ग्राम प्लस में 6 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 ग्राम प्लस में 6 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका। यानी इसका जो मोलर मास निकलेगा वो कितना निकल के आ गया है 78 ग्राम पर मोल आया है। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लेते हैं, मोलर मास CCl4 का कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन के ऊपर 12 ग्राम प्लस में 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन के 35 पॉइंट में 5 ग्राम, तो इधर लगाइए 12 ग्राम प्लस में 35 × 70 = 140 और 142 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इसको कैलकुलेट कर 44 तो 154 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने पे 150, तो इसका मोलर मास कितना आया 154 ग्राम, हमारे पास इतना मटेरियल आ जाएगा। आइए इसके अंदर हमारे पास निकाल लेते हैं एन ऑफ C6H6 निकाल लिया जाता है, कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका गिवन मास कितना है 30 ग्राम पर मोल, मोलर मास कितना है 78 ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं, 30 / 78, तो इसका जो मोल्स आ गया इसको कट के 0.384 मोल्स आ गया है। ठीक है, और इसी तरीके से एन ऑफ हमारे पास किसका निकाल लेंगे, एन ऑफ CCl4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 70 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 154
ग्राम है, ग्राम से ग्राम हमारे पास कट जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 70 डिवाइड बाई 154 तो आ जाएगा 0.454 हमारे पास बराबर आ जाएगा इतना। और हमारे पास टोटल निकाल के देखते हैं, एन ऑफ टी बोले तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसका कितना है 0.384 मोल प्लस में इसका कितना है 0.454 मोल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 0.454 प्लस में 0.384 यह आ जाएगा 0.838 मोल्स आ गया, टोटल मोल्स हमारे पास इतना आएगा। हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला तो हम क्या कहेंगे ना, हमारे पास क्या है, जाई ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.384 मोल डिवाइड बाई टोटल मोल कितने हैं 0.838 मोल्स है, मोल्स से मोल कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.384 डिवाइड बाई में 0.838 कितना जाएगा हमारे पास बेंजीन का 0.458 हमारे पास इतना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, हमारे पास इतना रह जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइए कमेंट में। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।